Crosswalks. I welcome you all in our channel, We Learn English. Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. Hope you have understood the previous video. Because of the previous video, we talked about the types of adjectives. Okay? करती हूँ कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा. उस वीडियो में हमने बात की थी types of adjectives की. और आज उसी वीडियो से related हम कुछ exercise करने वाले हैं कि आपको वो वीडियो कितना समझ में आया. तो इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि आपको adjectives कितने समझ में आए. Okay, so first exercise we are going to do that we'll have to underline the adjective and we'll have to state its type. हमें adjective को underline करना है और साथ ही में उसका type भी बताना है. So let's start. First is this is such a beautiful painting. तो जैसा कि आप देख सकते हैं painting is a noun और painting से पहले है beautiful. तो beautiful यहाँ हो जाता है हमारा adjective और इसका type होगा adjective of क्वालिटी. नेक्स्ट इज आई सो अ लिटिल किटन ऑन द रॉड. लिटिल तो यहाँ पे लिटिल होगा एडजेक्टिव और होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है. नॉट ओनली अबाउट द क्वालिटी ऑफ आर नाउन एंड प्रोनाउन बट हमारे नाउन या प्रोनाउन की साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस की बात करते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिटिल की बात करते हैं तो ये हमारे नाउन या प्रोनाउन का क्या है, साइज है कि छोटा है कि. ओके, नेक्स्ट इज द यंग बॉयज एंड गर्ल्स एप्पल्स. सो यहाँ पे टू एडजेक्टिव्स है, एक तो यंग और एक गर्ल्स. यंग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्योंकि ये हमें हमारे जो नाउन की एज बता रहा है, यंग है या ओल्ड. सो फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और सेकंड दोज एप्पल्स में दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि दिस दैट दीज दोज इन वर्ड्स के बाद अगर हमें कोई नाउन दिखता है तो ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, what is next sentence? I want that red bag cap over there. मुझे वो लाल बैग चाहिए जो वहाँ है. तो red यहाँ पे होगा adjective of quality क्योंकि हमारा adjective of quality हमारे नाम के प्रोनाउन के कलर के बारे में भी बात करता है. So ये होगा adjective of quality. What is next? I add some cheese and three bananas. Some and three यहाँ पे adjectives हैं. सम होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्योंकि चीज को हम काउंट नहीं कर सकते और थ्री होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्योंकि बनानास को हम काउंट कर सकते. ओके, सो फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड सेकंड इज नंबर. व्हाट इज नेक्स्ट? दे हैव इनफ ब्रेड फॉर टू वीक्स. अब इनफ यहाँ पे है एडजेक्टिव और साथ ही में ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते इसीलिए इनफ होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और वीक्स को काउंट किया गया है इसीलिए होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. व्हाट इज नेक्स्ट? द फाइव जेट्स प्रेजेंटेड अ डैजलिंग एयर शो. फाइव यहाँ पे होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डैजलिंग होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नंबर quality. What is next? Amit had some scrambled eggs for the breakfast. Some यहाँ पे होगा adjective of quantity क्योंकि scrambled eggs एक dish होती है जो egg से बनाई जाती है. So dish को हम count नहीं कर सकते. तो some यहाँ पे होगा adjective of quantity. What is next? Will you carry this heavy book for me? अब heavy यहाँ पे होगा adjective of क्वालिटी. व्हाट इज नेक्स्ट? कैन यू सी दैट कलरफुल बटरफ्लाई ओवर देयर. अब कलरफुल यहाँ पे होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Okay, now we will do our next exercise. Hey students, this is your next exercise and what you'll have to do in it, we'll have to fill the blanks with the help of adjective of quality. Okay, so let's start.
द कैंडी फ्लोस टेस्टेड. कैंडी फ्लोस ने कैसा टेस्ट किया? सो इट टेस्टेड फ्रूटी, मतलब फलो जैसा इसमें स्वाद आया. वॉट इज नेक्स्ट? माई न्यू बाइसिकल इज वेरी शाइनी, चमकदार है. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और यू कैन से अनहेल्दी फूड, यू कैन से ऑयली फूड. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? देयर इज अ ब्रिज ब्लोइंग आउटसाइड. यहाँ पर ब्रिज का मतलब है ठंडी हवा, मीन्स ब्रिज का मतलब है हवा. सो हम लिखेंगे यहाँ पे कूल ब्रीज. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? रामू द ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? कुड यू गिव मी सम हॉट कॉफी प्लीज. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? एप्पल्स आर रेड बट मैंगोज आर येलो. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? क्लाउडिया वॉज वेरी इनोसेंट बट हर सिस्टर्स आर क्वाइट क्लेवर. ओके, कि क्लाउडिया बहुत ही भोली है लेकिन उसकी बहनें चतुर है. वॉट इज नेक्स्ट? द गार्डनर चेज द चिल्ड्रन फ्रॉम द एप्पल ऑर्चर्ड. द एंग्री गार्डनर चेज द नॉटी. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? द न्यू शर्ट इज वेरी अनफिट. ओके, आई विल हैव टू रिटर्न इट एंड गेट अनदर वन दैट फिट्स वेल. ये जो शर्ट है ये मेरे फिट नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा और इसकी जगह कोई ऐसी शर्ट लेनी होगी जो मुझे अच्छे से फिट हो. ओके, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड व्हाट यू हैव टू डू इन इट. सेंटेंस हैव गिवन टू अस एंड टू ऑप्शंस आर देयर. वन इज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड वन इज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब हमें सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग और साथ ही में नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन में टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज इंडिया बोस्ट्स ऑफ द फाइनेस्ट स्पॉइल्स इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पे सम और मोर का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है कुछ और मोर का मतलब होता है ज्यादा. तो यहाँ पे आंसर होगा इंडिया बोस्ट्स ऑफ सम फाइनेस्ट पॉइंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? देयर आर अ फ्यू और एनी कुकीज इन द जार. एनी का मतलब होता है इन द नेगेटिव सेंस और फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम. ओके, सो द आंसर विल बी देयर आर अ फ्यू कुकीज इन द जार. वॉट इज नेक्स्ट? देयर इजंट एनी और मोर. एनी का मतलब होता है नहीं और मोर का मतलब होता है ज्यादा. शुगर इन द पुडिंग. आंसर होगा देयर इजंट एनी शुगर इन द पुडिंग, कि पुडिंग में बिल्कुल भी चीनी नहीं है. वॉट इज नेक्स्ट? हाउ मच और मैनी टाइम डू यू टेक टू रीच स्कूल. टाइम जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है के लिए हम यूज करेंगे मच. ओके, वॉट इज नेक्स्ट? ओनली अ फ्यू और लिटिल हट्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड, कि बाढ़ में कुछ ही झोपड़ियां बहकर चली गई थी. अब हट्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, सो द आंसर विल बी फ्यू. वॉट इज नेक्स्ट? हाउ मच और मैनी पिज्जाज डू यू थिंक वी शुड ऑर्डर. हमें कितने पिज्जाज ऑर्डर करने चाहिए? पिज्जा जो कि एक काउंटेबल नाउन है उसके लिए हम यूज करेंगे हाउ मैनी. वॉट इज नेक्स्ट? इफ यू मेक अ लिटिल और फ्यू एफर्ट यू कैन डू वंडर्स. सो वी विल फिल हियर इफ यू मेक अ लिटिल एफर्ट. वॉट इज नेक्स्ट? द टीचर फाउंड मैनी और मोर मिस्टेक्स इन माई होमवर्क. मैनी मिस्टेक्स इन माई होमवर्क. वॉट इज नेक्स्ट? You can have some or any more cupcakes. More, okay? So यहाँ पे होगा some more cupcakes. तुम कुछ और cupcakes ले सकते हो. What is next? There are some or much beautiful illustrations in this book. अब much होगा या some होगा? So the answer will be some illustrations in this book. Okay? Now we will do our next exercise. Okay students, so this is your next exercise and what you'll have to do in it, you'll have to tick the correct option with the help of demonstrative adjectives. Means हमें demonstrative adjectives दिए गए हैं और हमें sentence के sense को देखकर समझना है कि यहाँ पे हमें this use करना है, that use करना है, these use करना है या those use करना है.
एज यू नो दीज और दोज प्लूरल फॉर्म होते हैं, दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म होते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. आई विल नॉट ईट पैटीज. अब यहाँ पे ऑप्शन में है दिस और दीज. दिस का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा दीज. ओके व्हाट इज नेक्स्ट. सॉल्व ब्लैंक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एट होम. प्रॉब्लम्स प्लूरल है इसीलिए दिस नहीं आएगा, क्या आएगा दीज. ओके व्हाट इज नेक्स्ट. डू यू नो ब्लैंक मैन ओवर देयर. देयर मतलब वहां, इसीलिए हम यूज करेंगे दैट. ओके क्योंकि दिस का यूज किया जाता है पास वाली चीजों के लिए और दैट का यूज किया जाता है दूर की चीजों के लिए. व्हाट इज नेक्स्ट. बॉयज ब्रोक द ग्लास विंडो. सो यहां पे दिस क्या है सिंगुलर जबकि बॉयज है प्लूरल, इसीलिए हम यूज करेंगे दीज. ओके व्हाट इज नेक्स्ट. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन. दैट और दोज हमारे पास ऑप्शन में है. दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा दोज क्योंकि इसका यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए. What is next? I want pair of scissors for cutting paper. अब बता दें pair of scissors जो है वो singular ही होता है, इसीलिए हम use करेंगे this का. Okay? What is next? Paresh cannot wear trousers any longer. Trousers plural form ही होती है. Okay? That's why we will fill here these. Okay? What is next? Look at blank monkeys swinging from tree to tree. यहां पे हम करेंगे दोज क्योंकि दोज प्लूरल है और दिस सिंगुलर है. व्हाट इज नेक्स्ट. मेन इन द कार वर वेयरिंग ब्लैक शूज. सो दोज मेन हम फिल करेंगे. व्हाट इज नेक्स्ट. यू कैन बोरो बुक बट नॉट दैट. इन द ऑप्शन वी विल फिल यू कैन बोरो दिस बुक बट नॉट दैट. ओके स्टूडेंट्स अब चैप्टर एडजेक्टिव में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ डिग्री. इस टॉपिक को हम कहते हैं डिग्री. इसमें हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन की. ओके फॉर एग्जांपल कोई चीज़ या तो यूजुअल तरीके से अच्छी है या किसी चीज़ से बेटर है या फिर सबसे अच्छी है, इनके बारे में डिस्कस हम करते हैं डिग्रीज के अंडर. ओके सो डिग्रीज तीन टाइप की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का यूज हम करते हैं यूजुअल सेंस में. कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम जब हम किसी का कंपैरिजन किसी से करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई चीज सबसे अच्छी है. ओके अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें फिल करना हो डिग्री तो यूजुअल सेंस में हम फिल करेंगे पॉजिटिव डिग्री. ओके लेकिन अगर हमें ब्लैंक के साथ दिखे देन इसका यूज करते हैं हम कंपैरिजन करने के लिए तो हम हमेशा फिल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन अगर आपको दिखे द तो हम हमेशा फिल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री. ओके को पॉजिटिव डिग्री फॉर एग्जांपल यंग, कंपैरेटिव डिग्री यंगर एंड सुपरलेटिव डिग्री यंगेस्ट. अब हम डिग्रीज के कुछ फॉर्म पढ़ने वाले हैं. ओके जिनको ER या EST लगाकर हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाते हैं, जैसे थिक. कंपैरेटिव में ये होता है थिकर और सुपरलेटिव में थिकेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. ओके अब वो शब्द जिनमें हम y को हटा देते हैं और उनकी जगह ऐड करते हैं IER और IEST, जैसे कि लेजी. इसमें हम y को रिमूव करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में ऐड कर देते हैं IER और सुपरलेटिव डिग्री में ऐड कर देते हैं IEST. फॉर एग्जाम्पल लेजियर, लेजीएस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट. नेक्स्ट इज wealthy, wealthier, wealthiest. Okay, next is adding more and most. जब भी किसी वर्ड में दो से ज्यादा syllable वर्ड होते हैं तो हम उनको मोर या मोस्ट एड करके डिग्री ऑफ कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. Courageous, more courageous and most courageous. Now we will do some exercise related to comparison of degrees.
Okay students, so this is our exercise and what we'll have to do in our first exercise, जो डिग्री हमें दी गई है उसके मिसिंग डिग्री हमें लिखनी है. जैसे ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री होगा ग्रेट और सुपरलेटिव होगा ग्रेटेस्ट. ओके, ड्राइएस्ट ड्राई, ड्रायर ड्राइएस्ट, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? हायर, इसका होगा पॉजिटिव डिग्री हाई, सुपरलेटिव हाईएस्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? मेनी, मोर एंड मोस्ट. एल्डर, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. नेक्स्ट इज इजी, इजियर एंड इजीएस्ट. बिजीएस्ट, बिजी, बिजियर एंड बिजीएस्ट. एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव. ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज? We'll have to fill these blanks with the degree of comparison. So let's start. Kushagra was the. अब the यहाँ पे आ गया है और मैंने आपको बताया था कि जब भी the दिखे तो हम हमेशा fill करेंगे superlative degree. तो noble का superlative degree होगा noblest. Okay. What is next? Sumit's room is than mine. Than आ गया तो हम fill करेंगे comparative degree. तो ये होगा dirtier. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? उदित वॉज द, द आ गया तो हम क्या फिल करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री नॉटीएस्ट. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? माय हाउस टू द स्कूल देन योर्स, देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री फिल करेंगे तो ये होगा नियरर. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? साइरस इज द, अब द यहां पे है तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री फिल करेंगे इसीलिए यहां पे होगा ब्राइटेस्ट. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? पंखुरी इज द गर्ल आई हैव एवर मेट, अब द यहां पे है इट मींस सुपरलेटिव डिग्री और ऑप्शन में हमें दिया गया है लाइवली. लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल, जो खुशी से जीवन जीते हैं. तो लाइवली का सुपरलेटिव डिग्री होता है लाइवलीएस्ट. ओके, 27th, who was the of the king's daughter, अब the यहाँ पे आ गया है it means superlative degree, तो humble का superlative degree होगा humblest. ओके, what is next? I have driven on roads than this one, then आ गया it means comparative degree, तो narrow का comparative degree होगा narrower. What is next? Tell me which food is blank of the two, fried food or baked food. Is sorry, the यहाँ पे आ गया it means superlative degree, तो हम fill करेंगे healthiest. Healthiest. Okay, what is next? We thought Richa's sister was then Richa. Then यहाँ पे आ गया it means comparative degree, तो smart का comparative degree होगा smarter. What is next? Rewrite these sentences correctly. कुछ errors हैं इन sentences में और हमें वो correct करने हैं. So let's start. Ishant is a best player than Ishan. अब then यहाँ पे है, तो then जब होता है जब हम comparative degree use करते हैं, लेकिन यहाँ पे best है, इसीलिए ये wrong है. हम यहाँ पे fill करेंगे better. Okay? Nishant is a better player. What is next? Suchi is slightly tallest than her sister. Then यहाँ पे है it means हम comparative degree fill करेंगे, तो tallest गलत है, हम fill करेंगे taller. Okay, what is next? Those computers are of the higher quality. अब high यहाँ पे यहाँ पे है it means superlative degree होना चाहिए, लेकिन fill क्या गया है comparative, तो ये wrong है, हम fill करेंगे
highest. What is next? Kartike has bought the most costliest watch. अब जब costliest ही खुद superlative degree है तो most लगाने की जरूरत नहीं है. This is the error. Okay? What is next? Sonu Nigam is the good singer India has ever heard. Had. Sorry. The यहाँ पे है. It means superlative degree होनी चाहिए. तो good यहाँ पे गलत है. हम करेंगे best. Okay, what is next? Then you drive more faster, please. अब आप देखिए faster खुद comparative degree है तो more की जरूरत नहीं है. So this is the error. What is next? Are you intelligentier than the other students of your class? So this is wrong because more intelligent is the correct comparative degree of intelligent. So this will be more intelligent. Okay. What is next? Will you call Mr. Roy immediately? It is importanced. ये गलत है क्योंकि सिर्फ important आएगा. Okay? In this we have two more. Okay? We will do them also. Okay, student, that's it. Now I'm going to give you two sentences, and in those two sentences you'll have to find out the error and you'll have to tell me in the comment section. Okay, we have completed our chapter adjectives. We will do our next chapter in our next video. Hope you have understood all the things. If you have any doubt, then you can tell me in the comment section. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you.